भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी को मानते ही है, भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान के मंदिर में जा करके गाते हैं, है ना, भगवान के मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ उनसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं? स्कूल चीजें, धन दे दो, हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा ये अच्छा हो। तो ये स्कूल चीजें हम उनसे, भगवान से बनाई हुई चीजें हम मांगते हैं। कभी भगवान को ही उनसे मांगा है, परमात्मा को ही? जैसे एक राजा थे तो उन्होंने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल 10 बजे से राज्य का गेट खुलेगा और जितनी भी चीज वहां, बहुत सारी चीजें रखी होंगी, सोना चांदी, हीरा, कपड़े, खाना पीना, हर चीज, तो जिस चीज पे जो हाथ रख देगा वो चीज उसी का हो जाएगा। सब लोग बहुत खुश हो गए, सब लोग इंतजार करने लगे सुबह का। और 10 बजे से पहले ही, 7-8 बजे से ही गेट में भीड़ जमा हो गई। गेट खुला, सब दौड़ के टूट पड़ी भीड़, कोई हीरा है उस पे हाथ रखा, कोई कहता मैं इस पे रख दूं, उस पे रख दूं, कहीं दूसरा रख दे, तो दौड़ दौड़ के सब रखने लगे एक दूसरे पे हाथ, कोई खाने में लगे, कोई कपड़े पहनने में लगे हैं, कोई उसमें गिर जा रहे हैं, कोई दब जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची, वो भीड़ से निकल के, राजा भी सामने बैठे थे अपने सिंहासन पर, वो देख देख कर राजा सब मुस्कुरा रहे थे। एक बच्ची भीड़ से निकली, राजा के पास जाने लगी, राजा की तरफ। राजा सोचे कि हमारी तरफ क्यों आ रही है। फिर धीरे धीरे बच्ची राजा को जाके पकड़ लिया, राजा को छू लिया, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे पास क्यों आई, वहां इतनी सारी चीजें जाओ वो ले। नहीं, बोले राजा जी, आपको हमने छू लिया तो आप हमारे हो गए, जब आप हमारे हो गए तो आपकी जितनी भी चीज पड़ी वो सब हमारी हो गई। तो ऐसे हम क्या करें, उसके अंदर इतनी सोच है, हम भगवान को नहीं पकड़ते, लेकिन भगवान के जो बनाई हुई चीजें हैं हम उन पे दौड़ रहे हैं, उन पे मारा मारी हमारी दौड़ रही, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, उसमें सच्ची सुख शांति तो है नहीं। लेकिन अगर परमात्मा ही हमारा हो गया, परमात्मा के ही हम बन गए, जब परमात्मा मेरा पूरे विश्व का मालिक जो मेरा हो गया, तो उसकी बनाई हुई हर चीज मेरी हो गई। तो परमात्मा को आज हमने कभी संबंध से उनको नहीं माना, ईश्वर है, भगवान है और हम भक्त हैं, वो भगवान है, वो बहुत ऊंचा है। अच्छा, ठीक। तो भगवान को मतलब हमने समझा और ईश्वर को समझा, लेकिन अभी हमें क्या करना, भगवान को पिता मानना है कि वो हमारा पिता है। पिता के संबंध में याद करेंगे तो उतना ही प्यार हमें मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।